नमस्कार दोस्तों, मौसम विभाग को लेकर अभी अभी की सबसे बड़ी खबर भयंकर चक्रवाती आंधी तूफान, भारी बारिश और ओलावृष्टि को लेकर आ रही है। अगले 48 घंटे बहुत ही खराब रहने वाले हैं। मौसम विभाग के द्वारा अभी ताज़ा भविष्यवाणी की गई है, उत्तर पश्चिमी भारत में बारिश के साथ ओले भी पड़ सकते हैं और दिल्ली में अगले 3 दिन तक बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग ने दोस्तों आज उत्तर पश्चिमी, पूर्व और पूर्वोत्तर भारत में वर्षा, आंधी और ओलावृष्टि के एक नए दौर की भविष्यवाणी की है। कौन कौन से राज्यों में भारी बारिश होगी, कहां पर तेज रफ्तार से हवाएं चलेंगी और कौन कौन से राज्यों में ओलावृष्टि होगी, संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को जरूर देखें। मौसम से जुड़ी बिल्कुल लेटेस्ट और सटीक जानकारी पाने के लिए चैनल को अभी ही सब्सक्राइब जरूर कर लें। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड में बरसात और आंधी की तथा साथ में ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। इसी के साथ में बताते चले, बंगाल और सिक्किम में शुक्रवार को और उत्तराखंड में 1 अप्रैल को बारिश होने की बात कही गई है। अपने पूर्व अनुमान में मौसम विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वो पहले से ही काटी गई उपज को सुरक्षित स्थान पर रखें। वहीं साथियों, दूसरी तरफ दिल्ली सहित उत्तर पश्चिमी भारत के कई हिस्सों में नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आज से ही बादल छा गए हैं। कई हिस्सों में तेज हवा के साथ हल्की बरसात भी हुई। वहीं साथियों बता दें, मौसम विभाग का पूर्व अनुमान है कि अगले 24 से 48 घंटों में दोस्तों कई राज्यों में, जो कि उत्तर भारत और उत्तर मध्य भारत के राज्य हैं, यहां पर बादल छाए रहेंगे, गर्जन वाले बादल बनने और कहीं कहीं हल्की बरसात होने के भी आसार जताए गए हैं। लेकिन हाई अलर्ट पर जो राज्य रखे गए हैं वो साथियों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड हैं। इन राज्यों में दोस्तों अगले 48 घंटे और कहीं कहीं दोस्तों अगले 3 दिनों तक भारी बरसात, आंधी और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। वैसे मौसम विभाग से जुड़ी जो भी जानकारी आएगी मैं अपने चैनल पर आपको अपडेट करवाता रहूंगा, इसलिए अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। साथ ही आप हमारी वीडियो किस राज्य से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताकर जाएं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।